जैसे कि हम लोगों ने अगले क्लास में संख्यायिकी के बारे में पढ़े, संख्यायिकी में दो चैप्टर पढ़े, 14.1 और 14.2। हम लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए दो चैप्टर पढ़ना है। अभी हम लोग सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्मिनल का तैयारी कर लेंगे, उसका फर्स्ट टर्मिनल से आगे तक का पढ़ाई करेंगे। और हम लोग ऐसे आशा करते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी गर्मी छुट्टी तक में हम लोग का स्कूल भी खुल जाए, तो फर्स्ट टर्मिनल का पढ़े रहेंगे तो आगे का पढ़ने में आसानी होगा। तो फर्स्ट टर्मिनल 14.1 और 14.2, यदि किसी कोई कोई अभी तक इसका अभ्यास नहीं किए हैं तो इधर उधर से कहीं से भी वीडियो लेकर के आप लोग भी 14.1 और 14.2 को करें। और आज से हम लोग फिर अभी नए नए बच्चों को आज जोड़ने शुरू किए हैं, आज 10 बच्चों को जोड़े, जिसमें केवल 3 बच्चों का व्हाट्सअप मिला, बाकी बात जनरल नंबर था, उसका ज्वाइंट नहीं हो सका। तो आज भी 3 बच्चों का जोड़ा गया, वो लोग भी दूसरों बच्चों से फ़ोन करके पहले का क्लास का वीडियो ले सकते हैं और उसको अभ्यास कर सकते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग का बुक में 8.1 में दिया गया है। इससे भी फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, टेस्ट और बोर्ड सभी परीक्षा में 10 अंक का प्रश्न आएगा। और 10 अंक बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेकिन ध्यान तो देना होगा, ध्यान नहीं देने से नहीं होगा। तो 8.1 चैप्टर को अच्छा तरीका समझने के लिए, याद करने के लिए 9 सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी, और पी बराबर रूट ओवर एच का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए बी बराबर रूट ओवर एच का वर्ग माइनस पी का वर्ग, एच बराबर रूट ओवर पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग। ये दोनों में माइनस है और एक में प्लस है, इसको थोड़ा दिमाग में लगा बैठाना है। और यहाँ पर हमने पी एच बी दिए हैं, तो पी बी एच तीनों का अर्थ लिख दे। पी मतलब होता है लम, बी मतलब होता है आधार, एच मतलब होता है कर्व। अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, सबको बुक जिसके पास है बुक भी देख सकते हैं, हमको जहाँ तक उम्मीद है सबों के पास बुक का व्यवस्था हो चुका होगा, और नहीं है तो उसके लिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर एक साइन ए और कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी। पहला नंबर को हम अभी हल कर दे रहे हैं और दूसरा नंबर को होमवर्क के अंतर्गत दे दे रहे हैं। बच्चे पहला नंबर को अच्छा तरीका से देखें, एक बार वीडियो देखें, दो बार देखें, जब तक उसका दिमाग में बैठ ना जाए तब तक इसको देखें, और दूसरा नंबर को बनाने का कोशिश करें, और सभी प्रश्नों को बनाने का कोशिश करें, दूसरा भर नहीं सभी क्वेश्चन को जहाँ तक हो। अब हम लोग इसको बनाते हैं, किस तरह से हल करते हैं। प्रश्न में बोला है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी एक त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में सबों को, आप लोग को 9th क्लास में भी कुछ कुछ जानकारी बहुत पढ़े हैं, जानते हैं, और नहीं जानते हैं देख ले, समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है जिसमें एक भुजा ए बी को कर दिए 24 और बी सी को दे दिए 7। अब यहाँ पर बोलता है साइन ए और कोस ए निकालें, तो हम आप लोग को पूरा डिटेल बता रहे हैं कि त्रिभुज में यदि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोस कुछ भी निकालने के लिए बोले, ये नहीं कि साइन और कोस भर नहीं, कुछ भी निकालने के लिए बोले, हम लोगों को त्रिभुज का तीनों भुजा का मान होना जरूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, ए बी का मालूम है, बी सी का मालूम है, ए सी तो मालूम है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ए सी निकालेंगे। तो किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में एसी क्या कहलाएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को एच कहते हैं, इसलिए ये क्या हो गया एच, ये आम लोग का हो गया एच। तो पहले एच निकालेंगे, एसी जो भुजा है वही एच हो गया, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, तो पहले एच निकालेंगे। अब हम लोग सूत्र में आ जाते हैं, सूत्र सबसे लास्ट सूत्र नंबर 7, ये हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 9 में हम लोग देखते हैं एच बराबर रूट ओवर पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग, रूट ओवर पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग। अब ये सूत्र याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, रूट ओवर पी का मान 24, 24 का वर्ग जोड़ बी, बी का 7 का वर्ग, 24 का वर्ग मतलब 24 गुना 24, 576, 7 का वर्ग 749, दोनों को जोड़ दिए 625, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। अब हम लोग को इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया, ए बी भुजा 24, बी सी भुजा 7 और ए सी नहीं था, हम लोग ने निकाल लिए
25। अब हम लोगों को निकालना है साइन ए और कोस ए। तो पहले साइन ए, साइन ए नंबर सूत्र नंबर एक देखिए, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो यहाँ पर साइन थीटा ना था क्योंकि साइन ए है, तो यहाँ हो जाएगा पी बटे एच। अब पी कौन है, एच तो हम लोग निकाल लिए हैं, कौन है एस क्योंकि सबसे लंबी भुजा है। अब यहाँ पर ए रहेगा तो ए के सामने का भुजा को हम लोग कहते हैं पी। ए यहाँ पर कोण ए रहेगा तो ए के सामने का भुजा को कहते हैं पी, इसलिए पी क्या है बी सी, बी सी हो गया, ये बी सी हो गया। तब अब बी सी और एच हो गया ए सी, तो बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान कितना है यहाँ पर निकाले हैं 25, इसलिए 7/25 हो गया आंसर। अब आता है कॉस। अब सूत्र नंबर 2 को हम लोग देखें, कॉस बराबर है बी बटे एच। तो बी बटे एच, एच तो हम लोग को सबको मालूम है क्या है ए सी। अब बी सी हो गया पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, बी मतलब हो गया ए बी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है 24 बटे ए सी का मान है 25, 24/25। इस तरह से हम लोगों को पहला नंबर का पूरा मजबूती से समझने का कोशिश करना है और इसी को समझ समझ करके क्वेश्चन नंबर 2 और अन्य 8.1 के और सारे प्रश्नों को बनाने का कोशिश करना है। और कोशिश करने से जरूर हम लोगों का हल होगा और नहीं करने से नहीं होगा। और जहाँ तक कल भी बोले थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का कोशिश करें तो और बेहतर होगा। ठीक, धन्यवाद।